जय गौ माता मित्रों। तो आज हम सब साथ में मिलकर गोबर की प्लेट से लैंप्स डाई बनाएंगे। तो आप देख सकते हो ये गोबर की प्लेट है, ये हमने पहले से ही बना कर रखी है और उसी का हमने वीडियो भी दिया हुआ है। तो आप किसी भाई को बनानी है तो आप जाके देख सकते हैं। तो हम ये पहले तो ये प्लेट को माप साइज़ में कटिंग करेंगे। अगर माप साइज़ में कटिंग नहीं करेंगे तो काम हम कोई भी बनाएंगे तो अच्छा नहीं होता है। तो माप साइज़ में तो हम उसको काट खूने में कटिंग करेंगे ताकि एक से एक लग जाए। अगर अलग अलग कटिंग करेंगे तो लगेगी नहीं। तो उसको कटिंग करने के लिए हमारे पास ग्राइंडर है तो इसी से हम कटिंग करेंगे, लेकिन मशीन भी आती है उसी का कटिंग करने का। तो हम ग्राइंडर की मदद से उसको कटिंग करेंगे। देख सकते हो आप पूरी तरह से ग्राइंडर की मदद से कटिंग करेगी। तो आप भी बनाना चाहते हो तो उसको ऐसी तरह से कटिंग करोगे, एकदम काट खूने में रखोगे ताकि एक से एक प्लेट के ऊपर प्लेट रखे तो ये एड़ी टेढ़ी ना हो जाए। इसीलिए हमको काट खूना लगाना आवश्यक होता है, इसीलिए हम काट खूने में रखते हैं उसको। तो ये प्लेट तो हमने कटिंग कर ली है। तो आप देख सकते हो उसके अंदर हमने छेद रखा है, वो भी हमने ग्राइंडर की मदद से ही किया है। देखिए, और ये हमारा काम पूरा हो गया है। अब उसको हम एक एक पार्ट को फिट करेंगे, जॉइंट करेंगे। देखिए, तो ये जॉइंट करने के लिए हमें एक ड्रिल मशीन की ज़रूरत पड़ेगी, फेविकोल की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो फेविकोल लगाने का यही होता है कि फेविकोल लगाने से उसके जो दोनों साइड में स्क्रू तो लग जाएगा, लेकिन बीच में जो जगह रहेगी तो उसके अंदर तिराड़ दिखेगी। तो तिराड़ दिखेगी तो वहाँ से वो जगह वो फट सकती है, इसीलिए हम दो साइड स्क्रू लगाते हैं और बीच में हम फेविकोल लगा देते हैं ताकि वो एकदम चिपक जाए। और आप कोई भी भाई या बहन बनाना चाहते हैं उसको तो आप भी इसी तरह से बना सकते हैं। देखिए, क्योंकि पूरी तरह से उसको पिलना नहीं होता, टाइट नहीं करना, ताकि जो अगर पूरी तरह से टाइट करोगे तो वो गोबर होता है तो गोबर एकदम टूट जाता है, इसीलिए उसको आसानी से करना। देखिए, आप देख सकते हो फेविकोल कैसे हम लगाते हैं। इस तरह से फेविकोल लगाना और दोनों साइड स्क्रू पिल देना, ये हो गया हमारा काम। इतना कोई भारी चीज़ नहीं है, ये बनाना आसान है, सब भाई या बहन बना सकते हैं, उसी में कोई ज़्यादा खर्चा भी नहीं आएगा। देखिए, हम ये सब चीज़ बनाएंगे तो हमारी गाय बसेगी, और आजकल तो मार्केट के अंदर बहुत उसकी मांग होती है, तो इसीलिए हम सब मिलकर बनाएंगे। तो हमने ये चार जो प्लेट थी वो हमने लगा दी, अब बन गया डब्बा, और डब्बे के ऊपर भी हम एक और लगाएंगे, उसको हम फोल्डिंग रखेंगे ताकि वो जब भी हमें लैंप लगाना है अंदर का तो बाद में उसको स्क्रू खोल देंगे। देखिए, माप साइज के लिए हमने स्क्रू पिला है अभी तो, और बाद में उसको निकाल देंगे। अब तो ये रेडी हो गया है। अब उसको बाहर की साइड है उसके ऊपर हम कटिंग करेंगे, घिस लेंगे ताकि एकदम प्लान हो जाए। देखिए, पूरी तरह से कोई भी साइड कट नहीं रहनी चाहिए। तो आप देख सकते हो उसको हमने पूरी तरह से घिस लिया है। देखिए आप, जो भी हम
बनाएंगे, वो साथ में मिलकर ही बनाएंगे और आपके सामने ही उसको घींच लेंगे ताकि कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए आप जैसे आपको कोजी बनाना चाहते हैं तो आपको इससे पहले तो उसको खींचना पड़ेगा ताकि हमारी कोजी हम प्रोडक्ट बनाए तो ये इको फ्रेंडली बने। अगर हम उसको खींचेंगे नहीं तो ये अच्छी दिखेगी भी नहीं, इसलिए हमको इसको खींचना चाहिए, इसीलिए हम खींच लेंगे उसको। देखिए तो ये पूरी तरह से खींच लिया हमने। अब उसके साइड में हम छोटे छोटे छेद कर देंगे ताकि ये जो लैंप का प्रकाश होता है ये पूरी तरह से दिखाई देगा। तो ये हमने फोल्डिंग भी रख दिया है और अब इसके अंदर हम लैंप फिट करेंगे। तो ये हमने पहले से फिट तो कर दिया है, आप देख सकते हो इसके ऊपर हमने डिज़ाइन भी लगा दी है ताकि लोग दिखे तो उसको ऐसे लगे कि प्रोडक्ट तो बहुत अच्छी है, इसीलिए हमने उसके ऊपर सूर्य देव का भी निशान लगा दिया ताकि प्रकाश यही होता है सूर्य देव का। देखिए तो जब भी हम लैंप उसके अंदर लगाएंगे तो ये ऐसे दिखेगा। देखिए कितना बढ़िया लग रहा है लैंप देव का प्रकाश। हमने तो उसके अंदर ये लैंप लगाया, आप तो उसके अंदर वाइट लैंप भी लगा सकते हो, कोई कलर का लैंप उसके अंदर आप लगा सकते हो, लेकिन हमारे पास तो ये लैंप थे तो हमने उसने ये लगाया। देखिए कैसा दिख रहा है। तो हमारा वीडियो तो लंबा हो गया है लेकिन आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना, आप लोग देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना ताकि हम आगे का वीडियो बहुत जल्द आपको दे सकते। देखिए तो हम हमारे वीडियो को यहाँ समाप्त करते हैं। जय गो माता, वंदे गो माता, भारत माता की।